नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा से आ रही है, जहां पर सिरसा से एसपी डॉक्टर अर्पित जैन की ओर से नशा तस्करों के ऊपर फिर से बड़ी जो नकेल कसी गई है, और ऐसा पहली बार हो रहा है जब सिरसा पुलिस की ओर से नशा तस्करी करने वालों, सप्लायर और उनको संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी अब जिला पुलिस ने जो नकेल कसनी शुरू कर दी है। पूरा मामला डबवाली के सबसे बड़े गांव महापंचायत गंगा का है, जहां पर बीती जो कि 12 दिसंबर 2021 को यहां पर एक युवती की नशे की ओवरडोज की वजह से मौत हुई थी। हालांकि जो शुरुआत में युवती के परिजनों की ओर से इसे एक इत्तफाकिया मौत की कार्रवाई तक ही रखा गया था, लेकिन बाद में सिरसा एसपी डॉक्टर अर्पित जैन की ओर से इस पूरे मामले पर कड़ा संज्ञान लिया गया और अब पति समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने साजिश रचने और नशे की ओवर डोज दिए जाने की जो अपने स्तर पर जांच की, तो उसमें पाया गया कि ये 4 लोग दोषी हैं, जहां पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। तो अब नशे के सप्लायर और संरक्षण देने वालों के खिलाफ सिरसा पुलिस ने जो कमर कस ली है, नशे की ओवरडोज की वजह से उस युवती की मौत हुई थी। एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, एक बड़ा खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया और यह चौंकाने वाला खुलासा है कि इसमें पुलिस की कार्रवाई में ये भी पता चला है कि इस युवती से नशे की तस्करी करवाई जाती थी। पहले उसे नशे का आदि बनाया गया, उसके बाद उसे तस्करी करवाई गई और आखिर में उसे नशे की ओवरडोज दी गई, जिसकी वजह से उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ये पूरा मामला महापंचायत गंगा का है, जहां पर संतोष युवती थी जिसकी मौत हुई थी, जिसके बाद युवती को नशे की गर्त में डालने वाले पति समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है और पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में मामला आने के बाद इस पर जांच डबवाली डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल की ओर से की गई है। यानी सिरसा पुलिस की ओर से अब नशे के सप्लायरों व उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जहां पर जिला पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं पर नशे की ओवरडोज से होने वाली मौत के जिम्मेवार अब नशे के सप्लायरों को पुलिस ने माना है। यानी अगर कहीं भी किसी की भी नशे की ओवरडोज की वजह से मौत होती है, तो पुलिस अब उन लोगों तक भी पहुंचेगी जिन लोगों की वजह से वो लोग नशा करने लगे या फिर जिनके लिए वो नशे की तस्करी करते थे, उन लोगों के खिलाफ अब पुलिस एक्शन अपना अख्तियार करेगी। क्योंकि 12 दिसंबर 2021 को जिला सिरसा के गांव गंगा में युवती संतोष रानी की नशे की ओवरडोज की वजह से मौत हुई थी। पुलिस ने इस पर कड़ा संज्ञान लिया। युवती की मौत के मामले में जांच के दौरान पति समेत 4 लोगों को दोषी पाया गया है, उनको आरोपी माना है। इस मामले में परिजनों के बयान पर इत्तफाकिया मौत की कार्रवाई की गई थी, परंतु बाद में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन की ओर से इस पर कड़ा संज्ञान लिया गया, मामले को आगे बढ़ाया गया। कुलदीप सिंह बेनीवाल डीएसपी को जांच सौंपी गई। विस्तृत जानकारी देते हुए इसमें डबवाली से कुलदीप सिंह बेनीवाल जो डीएसपी, उन्होंने जानकारी दी है कि युवती संतोष रानी के पिता दानाराम की शिकायत पर ये जो पति सुशील कुमार और सुशील कुमार के दोस्त राजेंद्र और युवती की ननंद कोयल और नंदोई दर्शन सिंह के खिलाफ जो कि मामला पुलिस ने दर्ज किया, जहां पर धारा 304, 328, 334 तथा मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। 12 दिसंबर को गांव गंगा क्षेत्र से एक युवती संतोष रानी जो कि पुत्री दानाराम की नशे की ओवरडोज की वजह से मृत्यु बताई गई थी। उन्होंने बताया कि इस घटना को जिला सिरसा पुलिस ने गंभीरता से लिया। बाद में जांच कर पता चला कि संतोष का पति चिट्टे का नशे का आदि था, उसने इसी नशे की लत में अपनी पत्नी को लगाया। बाद में जो जांच में पाया गया, सामने आया है कि युवती है जो उसके पति सुशील, उसके दोस्त और उसकी जो बहन और बहनोई, सब लोग मिलकर उस युवती संतोष को नशे की लत में डाला। वहीं पर एक दिन उसे नशे की ओवरडोज दी गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब सदर थाना पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई में जुटी है। पुलिस उन सब की धरपकड़ कोशिश कर रही है उनको गिरफ्तार करने की, और सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत जल्दी पुलिस उन तक पहुंच भी गई है, बहुत करीब मामला है पुलिस का पहुंचने का, और उसके बाद पुलिस इस पर बड़ा खुलासा करेगी। आखिर किस तरीके से उसको डोज देगी, कितने वक्त से वो लोग उस युवती को इस धंधे में धकेला था, आखिर कौन सी बड़ी मजबूरी थी। सीधा संकेत सबसे बड़ा ये है कि अब अगर कहीं भी किसी युवक या फिर युवती की अगर कहीं मौत नशे की वजह से होती है और आप अगर संज्ञान लेना चाहते हैं उसके ऊपर, पुलिस तक ये मामला पहुंचाते हैं, तो पुलिस उन लोगों को बख्शेगी नहीं जो लोग सप्लायर करते थे नशा या फिर जो संरक्षण देते थे। सीधे तौर पर पुलिस उन रिश्तेदारों तक, उन रिलेटिव तक पहुंचना चाहती है जो लोगों ने उनको शरण दी थी। तो एक बड़ा संकेत है, अब चिट्टे के सौदागर या फिर नशे की सौदागर जो अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे, जो लोगों की जिंदगी को तबाह करते थे, अब पुलिस उन लोगों पर
तत्परता से कार्रवाई कर रही है। तो बड़ा अच्छा संकेत, एक पॉजिटिव संकेत सिरसा पुलिस की तरफ से मिला है। कम से कम उन माँ बाप के लिए ये खबर अच्छी है जिन लोगों की औलाद नशा तस्करी में शामिल हुई, या फिर उन सप्लायरों के धक्के चढ़ी जिन लोगों ने उनका जमकर इस्तेमाल किया, उन लोगों को नशे के दलदल में धकेला, उसके बाद उनकी ओवरडोज की वजह से मौत हो गई। फिलहाल इस पूरे मामले में जैसे आगे की जानकारी होगी आप तक वो पहुंचाएंगे। फिलहाल अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।